नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी बीमारी से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह से वो बेड रेस्ट पे हैं और डॉक्टर ने कहा है कि आपको जो है कम से कम 3-4 दिन जो है अच्छी तरह से आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे वीडियो में पिछले दिनों आए थे तो उसके बाद जो है काफ़ी थकावट जैसी महसूस होती थी और उनको जो है बात करने में भी दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टरों की सलाह है और हमने भी उनको सलाह दी कि 1-2 दिन वीडियो नहीं बनाएंगे, चलेगा, लेकिन आपकी आराम की ज़रूरत है, आपके स्वस्थ रहने की ज़रूरत है और आगे आपको बहुत रास्ता बड़ा तय करना है, क्योंकि अभी चुनाव भी आ रहा है, आगे बहुत सी चीज़ें होंगी। तो उनको हम जो है कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट दिए हैं। तो हम आज जो है अकेले वीडियो बना रहे हैं और हमारा विषय है मराठा आरक्षण का, जो लगातार महाराष्ट्र में इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर में मराठा आंदोलन, जो मराठा आरक्षण का आंदोलन है, उसकी दिशा किस तरफ थी और अब दशा किस तरह से हो गई है। तो हम सबसे पहले करते हैं शुरुआती आंदोलन पे। जी हाँ, मराठा समाज का आंदोलन जो है 2023 में जुलाई और अगस्त महीने शुरू हुई थी और जालना में सबसे पहले जो है मनोज जरांगे ने जो है कुछ लोगों के साथ वहाँ पर भूषण में बैठे और जब वहाँ पर कई दिन बीत गए तो डॉक्टर जो है टीम आती है वहाँ पर और वहाँ पर जांच पड़ताल करती है, कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, यानी लगातार वो भूषण कोई बैठा हुआ है तो उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है। कभी कई बार ऐसा हुआ कि आंदोलन में जो है बैठे हुए लोगों की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि लगातार जो ब्लड प्रेशर का गिरना, शुगर डाउन होना, वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो जब डॉक्टरों की टीम वहाँ पर पहुँची तो उनके ऊपर जो है पथराव की गई, उनको भगाया गया और अंत में जो पुलिस को वहाँ काफ़ी बड़े फोर्स से आना पड़ा और उन्होंने जो है आंदोलन को बंद करने की सलाह दी। तो उसमें जो है पुलिस के ऊपर भी काफ़ी पथराव हुए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, आंदोलन की शुरुआत यहीं से जोर पकड़ी, पूरा मराठा समाज एक हो गए और जो है आंदोलन एक बड़ी दिशा की तरफ चल पड़ी। जब पुलिस की लाठी चार्ज हुई, पुलिस के ऊपर भी पथराव हुए, पुलिस भी घायल हुई, पुलिस का तो साइड किसी ने नहीं लिया, लेकिन मराठा समाज में जो आंदोलन था उसमें मनोज जरांगे, जिसको कोई जानता नहीं था, कोई उनका आता पता नहीं था, लेकिन समाज ने उनको इतना बड़ा किया, मीडिया ने इतना बड़ा किया कि आज मनोज जरांगे जो है पूरे देश में जो है एक आंदोलन का चेहरा बन गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब देश का चेहरा बन गए, मराठा समाज का चेहरा बन गए, तो उनको जो है एक अच्छी रास्ता तय करनी चाहिए थी। सरकार ने उनके सामने नतमस्तक हुई, सरकार दबाव में आई और सरकार ने समय भले लिया, लेकिन 10% आरक्षण का जो है बिल पास कर दिया है। ऐसा बिल पास किया जो कि कोर्ट में मतलब कि टिक सके ऐसा है और मराठा समाज को इसका फायदा भी मिल सके, जैसे नौकरी है, शिक्षा है, वहाँ पर अगर 10% आरक्षण मिलता है मराठा समाज को तो बड़ी बात होती है, क्योंकि इसके पहले 50% जो है बंटवारा तो हो चुका है, इसमें कई लोग कोर्ट में जाने की तैयारी में थे, लेकिन 10% जब सरकार ने इसका घोषणा की तो अभी तक तो कोई कोर्ट में जाने की कोई घोषणा तो नहीं की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मनोज जरांगे जो है लगातार इसके विपरीत क्यों बैठे हुए हैं, क्यों वो ओबीसी से ही जो है जीत बैठे कि हमको ओबीसी से ही कोटे से जो है कुनबी सर्टिफिकेट चाहिए। क्या सभी मराठा जो है आज महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जो है 13 करोड़ प्लस है और 13 करोड़ में करीब 28 से 30% जो है मराठा समाज है, जिनकी संख्या जो है करीब 4 करोड़ है, यानी महाराष्ट्र में जो पूरी टोटल पॉपुलेशन जो है 13 करोड़ है तो मराठा की समाज की जो है 4 करोड़ है, यानी कि करीब 28% के ऊपर जो है मराठा समाज आते हैं। अब ये 28% जो मराठा समाज आते हैं, इसकी वोट बैंक की राजनीति जो है इसमें दिख रही है साफ साफ। मनोज जरांगे को जो है ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में मैं आंदोलन मराठा समाज को न्याय दिलाने के लिए कर रहा हूँ, उनको आरक्षण दिलाने के लिए कर रहा हूँ, कि इस हमारे आड़ में कोई वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। जैसे ही जालना में पथराव और पुलिस की लाठी चार्ज हुई, सबसे पहले कौन गया? पवार साहब गए। पवार साहब इतनी सहानुभूति लेने के पहुँच गए,
तुरंत पहले पर सबसे पहले पवार साहब पहुंचे रातों रात, और जो है उसके बाद देखा कि ये मामला जो है तूल पकड़ रहा है, मीडिया में भी हाईलाइट हो रहा है। इसके पहले भी तो मराठा समाज ने आंदोलन किया था, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो एक मराठा लाख मराठा के नारों के बीच में लाखों की संख्या में जो है मराठा जो है शांतिपूर्वक मोर्चा निकाल के जो है, और उसमें जो है देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ी भूमिका निभाते हुए, जिनके ऊपर दाग लगा था कि ये ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, ये मराठा समाज को क्या न्याय देंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल करते हुए जो है मराठाओं को न्याय दिलाते हुए 16% की रिजर्वेशन पास की थी, और वो हाईकोर्ट में उन्होंने टिका के भी रखा था। कल भी उन्होंने कहा कि हम जब तक थे सरकार में तब तक सुप्रीम कोर्ट में भी जो है मामला टिका हुआ था, तो उन्होंने तो पूरा दोष जो है विपक्षी को दिया। लेकिन जो ये 4 करोड़ की संख्या में जो मराठा समाज है, इनकी राजनीति के पीछे लोग जो है मेरे लगता है कि लोग समाज जो है समझदार है, वो राजनीति शिकार तो नहीं होगी, लेकिन राजनीति इसके ऊपर ही टिकी हुई है कि ये 4 करोड़ जो वोट बैंक है ये किसकी तरफ जाएगा। यानी हर कोई जो है, जैसे शरद पवार जी के बाद राज ठाकरे वहाँ पहुँच गए मनसे अध्यक्ष, राज जी ने जो है कहा कि आप जो है अच्छी सलाह लीजिए और मामला तूल पकड़ लिया है, इसका जो है फायदा उठाइए। उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे जी खुद इसमें इन्वॉल्व हुए और उन्होंने प्रण किया, तय किया कि मराठाओं को हम न्याय दिला के रहेंगे, और उन्होंने किया भी। 10% का उन्होंने आरक्षण का बिल पास करके बहुत वाहवाही ली। उन्होंने उनका साफ साफ कहना था जो अभी तक जो मराठा मुख्यमंत्री बन के जो अभी तक नहीं कर पाए, वो मैंने 1.5 साल के अंदर जो है करके दिखाया हूँ, और श्रेय उनको जाना भी चाहिए क्योंकि मामला काफ़ी पेचीदा था। 10% आरक्षण मिलना भी कोई छोटी बात नहीं है, 10% काफ़ी मायने रखता है। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में इसके विपरीत जो है अब स्थिति क्यों बन गई है। तो फ्रेंड्स, हमारे मराठा समाज से भी जुड़े हुए लोग, काफ़ी लोग हमारा चैनल देखते हैं, आप लोग देखिए कि जिस तरह से वहाँ पर आगजनी घटनाएं हुई, यानी मनोज जरांगे के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे आगजनी किए, मिनिस्टर के बंगले जलाए गए, ये क्या मनोज जरांगे के अकेले के बस की बात है? मनोज जरांगे के ऑर्डर से हुआ रहेगा ये? मनोज जरांगे अनाप शनाप कुछ बोल रहे, लेकिन क्या उनका मुंह बोल रहा है? बिल्कुल नहीं। ये मराठा समाज को समझने की जरूरत है, आखिर में कौन बोलवा रहा है, बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है। मराठा समाज सब पैसे वाले हैं, मैं मानता हूँ पैसे वाले हैं, लेकिन जो पैसे वाले हैं इस आंदोलन से दूर है, ज़्यादा करके दूर है। वो तो चाहते हैं कि आरक्षण की हमको जरूरत ही नहीं है, फिर ये आरक्षण आंदोलन में क्यों कूदेंगे, क्यों फंडिंग करेंगे? समझने वाली बात है। आखिर में जिसके पास, जो मराठा समाज के लोग जो पैसे वाले हैं, वो फंडिंग क्यों करेंगे? जो राजनीति से जुड़े होंगे वही फंडिंग करेंगे ना। अब इसमें विपक्ष की अगर हम भूमिका देखें तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में सब काम कर रहे हैं। कल फडणवीस जी ने जिस तरह से अधिवेशन में कहा कि आरोपी खुद बोल रहे हैं कि पत्थर किसने मारने के लिए चर्चा किया, किसने ये सब करवाया, SIT सब पूरी जांच करेगी। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि SIT जांच करेगी, SIT के पास भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी बाहर, बड़े बड़े नेताओं के नाम आएंगे, लेकिन क्या नाम सार्वजनिक होंगे? नहीं होंगे ना। मैं किसी के पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये सार्वजनिक नाम नहीं होंगे। वो उन्हीं लोगों को डाला जाएगा उनके ऊपर जो छोटे छोटे लोग हैं। तो फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि आखिर में मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है, मुद्दे से क्यों भटक गया है, क्यों इसमें राजनीति की पूरी बू आ रही है, क्यों तुतारी बज रही है? 2 दिन पहले आपने देखा सब चैनल पर जो है इसमें तुतारी की आवाज आ रही है, मनोज जरांगे के मुंह से तुतारी की आवाज आ रही है। तुतारी की आवाज क्या है सबको पता है, कोई पवार साहब का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन तुतारी सब कर रहे हैं। जांच में क्या पवार साहब का नाम अगर आएगा तो क्या पवार साहब के ऊपर कार्रवाई होगी? मोदी और शाह जो है कहेंगे कि इनको जेल में डालो? 2019 में ED ने सिर्फ जो है एक समन्स भेजा था पवार साहब को, पूरी NCP पार्टी रास्ते पे आ गई थी,
चुनाव का माहौल था 2019 का, उसका फायदा उनको ही मिला। ये सबको पता है कि आज पवार साहब का नाम अगर इसमें डाला जाएगा तो उसका सहानुभूति जो है किसको मिलेगा, उनको ही मिलेगा ना। तो स्थिति बहुत गंभीर है, बट मराठा समाज को समझने की जरूरत है। देखते हैं आगे क्या होता है। एसआईटी जांच तो इतनी जल्दी आएगी नहीं, हो सकता है तब तक लोकसभा चुनाव निकल जाए, विधानसभा चुनाव करीब आ जाए। एसआईटी जांच तो एक दो दिन नहीं होती है, इसमें काफ़ी जांच पड़ताल होगी। आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुई, पत्थरबाजी कब हुए, किसने पुलिस को किसने ऑर्डर दिया कि लाठी चार्ज करो, क्योंकि सरकार तो साफ साफ मना कर उस समय कर दी थी कि हमने कोई आदेश ही नहीं दिया था लाठी चार्ज का। वह हालात ऐसे पैदा हुए कि पुलिस लाठी चार्ज करनी पड़ी, पुलिस बुरी तरह से घायल हुई, पथराव भी हुए, पुलिस का साइड कोई नहीं लिया। लेकिन मराठा आरक्षण का मामला जो है काफ़ी बढ़ा चढ़ा के आगे किया गया, और नो डाउट मराठा समाज आगे आई, लोगों की भीड़ देखने को मिली। लेकिन ये नाटकीय मोड़ जो है अब किसी दूसरी दिशा में चली गई है, इसे समझने की ज़रूरत है हर किसी को। लोकसभा चुनाव का माहौल है, राजनीति तो होगी, लेकिन समाज को जो है इस तरह से आरक्षण की ज़रूरत थी, अगर 10% में अगर नहीं बैठ रहे हैं तो आगे दूसरा आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली उस आंदोलन को और ग्रुप देना, मुख्यमंत्री को उपमुख्यमंत्री गाली गलौज करना, ये कौन सा आंदोलन तरीका है? नो डाउट मनोज जरांगे के पीछे पूरी संख्या बल जो है उनको सब सपोर्ट की, आंदोलन बड़ा हुआ। लेकिन ऐसा कहीं ना हो जाए कि मनोज जरांगे की वजह से ही ये आंदोलन जो है बैकफुट पे चले जाए, और जाता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आपका क्या कहना है, हमने जो बात कही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सही है? जरूर हमें लिखिए कमेंट बॉक्स पे, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।